मेहरगढ़ गुरुद्वारा करेरुआ में धूमधाम से मना गुरु पर, बड़ी की प्रमुख खबर। करेरुआ गांव स्थित मेहरगढ़ गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन एवं लंगर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में समस्त सिख श्रद्धालुओं के साथ अन्य समाज के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गुरुदेव सिंह की रिपोर्ट। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा तथा डीएसपी बाबूलाल मीणा के निकटतम सुपरविजन में संपूर्ण जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना सदर प्रभारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने आज अवैध लाल पत्थर सैंडस्टोन ले जाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर धवल सिंह पुत्र गजराज सिंह निवासी धीमरी थाना सदर बाड़ी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह के साथ पुलिस पार्टी में ओम प्रकाश एसआई, रामलखन कांस्टेबल, मदन लाल कांस्टेबल शामिल रहे। अवैध चंबल रेता निकासी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चालक गिरफ्तार, बाड़ी की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह मीना आईपीएस के निर्देशन में अवैध चंबल रेता परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बचन सिंह मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर एवं बाबूलाल मीना आरपीएस वृत्ताधिकारी व्रत बाड़ी के सुपरविजन में थाना बाड़ी सदर पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए मुलजिम राकेश पुत्र भत्तो जाति गुर्जर उम्र 21 साल निवासी गढ़ी जखौदा अंगद का पुरा थाना बाड़ी सदर को मई ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध चंबल रेता से भरी हुई को जब्त कर मुलजिम को गिरफ्तार किया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। दो पक्षों में झगड़ा, फायरिंग में एक की मौत, नादनपुर सरमथरा की प्रमुख खबर। थाना नादनपुर के गांव विजय का पुरा में आज सुबह हुई घटना के संबंध में वृत्ताधिकारी व्रत सरमथरा राजेश चौधरी आरपीएस ने बताया के गांव विजयपुरा में दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष का व्यक्ति राजू पुत्र राम सिंह गुर्जर घायल हो गया, जिसे उसके परिजन इलाज के लिए धौलपुर लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई, जिसका वापस बसेड़ी हॉस्पिटल में लाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। अपराधियों की खोज की जा रही है, फिलहाल गाँव में शांति है। सूचना मिली थी कि फायरिंग में उस व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया देखने पर फायरिंग से उसकी मौत नहीं हुई है, आगे जाँच जारी है। आज दिनांक 10/1/22 को सुबह 9:15 के करीबन थाना नादनपुरा में मेरे टेलीफोन सूचना आई कि विजयपुरा गांव में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। इस पर तुरंत एएसआई मौके पर गए, उन्हें पता लगा कि राजू एवं राम सिंह गुर्जर झगड़े में घायल होने से धौलपुर से परिजन लेके गए हैं। इस पर थोड़ी देर बाद पश्चात लगा कि राजू की मृत्यु हो गई है और एएसआई साहब द्वारा वहाँ बसेड़ी में बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। प्राथमिक दृष्टि में शुरुआत में पढ़ा जा रहा था कि फायरिंग से उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया उसकी मृत्यु फायरिंग से होना नहीं पाया गया, फिर भी जांच जारी है। मौके पर मुझ वृत्ताधिकारी द्वारा पूर्ण निरीक्षण किया गया है। गाँव में चूँकि दोनों पक्ष गुजर हैं, शांति है, बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाकर अभी अंतिम संस्कार किया जाएगा और गैर सहायलाओं को तुरंत रिटर्न शिविर किया जाएगा। दिन दहाड़े 7 भैंसों को ले गए चोर, सीसीटीवी में तस्वीर कैद, बाड़ी की प्रमुख खबर। सरमथरा रोड स्थित उमेदी लाल गुर्जर के अड्डा से 4 जनवरी को शाम 4 बजे चोर 7 भैंसों को ले गए, जिन्हें तुलसीवन रोड पर स्थित वृद्धाश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट देखा गया है। भैंसों के साथ चोर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उमेदी लाल के पुत्र राम मरण ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उक्त जानकारी देकर भैंसों को तलाशने की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर भैंस एवं उसके चोर का वीडियो वायरल करते हुए चोर को पहचानने की गुजारिश की गई है। मारपीट एवं हवाई फायरिंग का दहशत फैलाने का आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त देसी कट्टा एवं कारतूस बरामद, कंचनपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा के निर्देशन में वांछित बदमाशों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना कंचनपुर पुलिस ने गांव उमरी में मारपीट कर दहशत फैलाने के एक मामले में
मुलजिम सत्यवीर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी विजय कुमार सिंह के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा थाना कंचनपुर के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया, जिस पर टीम ने गत दिवस कार्रवाई करते हुए मुलजिम सत्यवीर सिंह पुत्र रामवीर सिंह उम्र 22 साल जाति लोधा निवासी उमरी थाना कंचनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। घटना के समय 2 नवंबर 2021 से ही फरार चल रहा था। मुलजिम को गिरफ्तार करते समय थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ रामनिवास कांस्टेबल संजय कुमार कांस्टेबल एवं पूरनमन कांस्टेबल साथ में रहे। पशु चोरी के आरोपी दो मुलजिम गिरफ्तार, दो भैंस बरामद, बाड़ी की प्रमुख खबर। जिले में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी गजानंद के नेतृत्व में भैंस चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे दो भैंस बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिया देवी पत्नी ठाकुरदास कुशवा ने थाना बाड़ी में 8 जनवरी को नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि बाल किशन उसकी दो भैंसों को चुरा कर ले गया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद कोतवाली थाना प्रभारी गजानंद ने कार्रवाई करते हुए बसेड़ी बस स्टैंड से दो मुलजिम बाल किशन पुत्र मोहन सिंह कुशवा निवासी गुम्मट एवं लवकुश पुत्र राणा कुशवा निवासी कांसपुरा थाना बसई जगनेर जिला आगरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुलजिमों से चोरी की गई दोनों भैंसों भी बरामद कर ली गई हैं तथा अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है। निशुल्क साइकिल पाकर खुशी से खिले बालिकाओं के चेहरे, सैंपो की प्रमुख खबर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज सोमवार को बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। विद्यालय प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित निशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसके तहत कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। विद्यालय में निशुल्क साइकिल पाकर बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। इस दौरान प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा ने बालिकाओं को शिक्षा के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि साइकिल मिलने से अब सभी बालिकाओं को विद्यालय आने व जाने के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इस मौके पर राम प्रकाश शर्मा, कुंज बिहारी गुप्ता, बिंदु रानी, धर्मेंद्र सिंह, दरब सिंह, ब्रजलाल, अनामिका पाल, राहुल कुमार शर्मा, रमा शर्मा, सोनम गर्ग, अंजना गर्ग, मोहम्मद इजहार फैसल, दीपक शर्मा, ब्रजेंद्र सिंह, चंद्रभान, मुन्ना लाल सोलंकी, राखी समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सेपो से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। मनरेगा कार्य एवं टीएडी हॉस्टल का सीईओ ने किया निरीक्षण, दिए निर्देश, धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में मनरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सरमथरा उपखंड के गांव डोमई एवं बाड़ी उपखंड के गांव चिला चौंध में मनरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर मनरेगा योजना के अंतर्गत जो भी कार्य चल रहे हैं उनका मौके पर भौतिक सत्यापन कर आवश्यक निर्देश दिए। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार कोविड गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए। मनरेगा योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिले इसके लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सरमथरा उपखंड के टीएडी हॉस्टल आंगई का निरीक्षण कर परेशानियों को जाना तथा आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर हॉस्टल वार्डन, आंगई सरपंच एवं चेयरमैन नगर पालिका सरमथरा जलाल खान सहित अन्य उपस्थित रहे। अवैध चंबल बजरी से भरा स्वराज ट्रैक्टर मय ट्रॉली जब्त, चालक गिरफ्तार, सरमथरा की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशन एवं बचन सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर एवं राजेश चौधरी डीएसपी सरमथरा के निकटतम सुपरविजन में अवांछनीय तत्वों एवं अवैध खनन के अवैध रेता, शराब आदि के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी अनिल कुमार गौतम के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार मय जाप्ता वन विभाग के साथ कार्रवाई करते हुए एक अवैध चंबल रेता से भरे स्वराज ट्रैक्टर संख्या RJ34R9354 को मय ट्रॉली के जब्त कर चालक वकील पुत्र महाराज सिंह जाति गुर्जर उम्र 34 साल निवासी सेवली थाना मासलपुर जिला करौली को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कार्रवाई में थाना प्रभारी अनिल गौतम, हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार, कांस्टेबल हरवेंद्र, ओम प्रकाश, संदीप, वन रक्षक शिव कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। वाहन चोर गिरफ्तार, एक मोटरसाइकिल बरामद, बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशन में संपूर्ण जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत
बाड़ी थाना कोतवाली प्रभारी गजानंद के नेतृत्व में पुलिस पार्टी गठित की गई, जिसके द्वारा नाकाबंदी के दौरान आज मुखबिर की सूचना पर वर्ष 2019 में चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ वाहन चोर जयराम पुत्र अतर सिंह जाति गुर्जर निवासी जमूरा थाना मासलपुर जिला करौली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार मुलजिम से बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। कार्रवाई करने वाली पुलिस पार्टी में टाउन चौकी इंचार्ज ESI राजेश सिंह, राजेश कुमार कांस्टेबल, रितेश कुमार कांस्टेबल एवं चालक राम अवतार कांस्टेबल मौजूद रहे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 स्वच्छ पेंटिंग में बच्चों ने दिखाया हुनर, बाड़ी की प्रमुख खबर। बाड़ी नगर पालिका के तपेश विदुड़ी ने बताया कि अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर व चेयरमैन श्रीमती कमलेश देवी व चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह ने जो बाड़ी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नंबर 1 बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसी क्रम में स्वच्छ बाड़ी प्रतियोगिता के तहत आज स्कूली व कॉलेज के बच्चों ने अपना हुनर दिखाते हुए शहर के विभिन्न दीवालों, तहसील कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जगरिया भवन पर अपनी पेंटिंग का जलवा दिखाया और स्वच्छ भारत का संदेश दिया। इस दौरान पेंटिंग्स का अवलोकन करने गए वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी एवं चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह ने बताया कि बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए शहर को साफ और स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। इस दौरान अवलोकन करने वालों में वरिष्ठ लिपिक मजीद खान, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक यादविंद्र सिंह तोमर, कल्याण सिंह, सुमित तिवारी, तपेश विधुड़ी, शिवशंकर पचौरी, अंकित कुमार, टीम बेसिक से हरी राजपूत, किशोरी बटेले, कृष्ण कुमार, जितेंद्र यदुवंशी, सतीश गुर्जर, अनीता मोवेल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में गांव-गांव घर-घर वैक्सीनेशन का कार्य महाअभियान के रूप में चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सभी विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिला कलेक्टर की मंशा है कि वैक्सीनेशन के अलावा COVID-19 गाइडलाइन की अनुपालना के लिए जन जागरूकता अत्यावश्यक है, जिससे नागरिक अपने स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ जनमानस के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। इसी श्रृंखला में जिला कलेक्टर के निर्देशन में गांव-गांव जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा देवी सिंह द्वारा COVID-19 के गाइडलाइन की अनुपालना एवं वैक्सीनेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज गांव भगपुरा, अनंदू का अड्डा, नाथों का पुरा में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि वैक्सीनेशन, मास्क एवं 2 गज की दूरी से ही इस महामारी से लड़ा जा सकता है। इस अवसर पर पैम्पलेट का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर महेश दुबे, वार्ड पंच इलायची नाथ, सरपंच प्रतिनिधि कमलकांत एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे।